बता जोशी फतेहपुर रेप पीड़िता की हुई मौत। कानपुर में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। करीब 95% तक युवती झुलस गई थी तो हालत बिगड़ने पर कल से वेंटिलेटर पर पीड़िता थी और चेस्ट इंफेक्शन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो ब्लड प्रेशर और पल्स रेट में भी लगातार गिरावट हो रही थी। हैलेट अस्पताल में पिछले 4 दिन से चल रहा था इलाज और आज सुबह इलाज के दौरान अंतिम सांस ली तो ब्लड प्रेशर और पल्स रेट में लगातार गिरावट हो रही थी तो हैलेट अस्पताल में पिछले 4 दिनों से भर्ती थी पीड़िता और इलाज चल रहा था। आज सुबह इलाज के दौरान पीड़िता ने अंतिम सांस ली। आपको बता दें पीड़िता इस दौरान बुरी तरह से झुलस गई थी। कानपुर के इलाज के दौरान ये मौत हुई है और बताया जा रहा है जिस तरह से पीड़िता को जलाया गया उसमें करीब 95% पीड़िता जल चुकी थी तो हालत बेहद ही गंभीर थी। वेंटिलेटर पर थी, 4 दिनों से इलाज चल रहा था और आज सुबह अंतिम सांस ली है।